Hey guys, this is Alok Kashyap, welcome to channel Showdown. और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 15 अपकमिंग हिंदी डब कोरियन ड्रामास के बारे में, जैसे कि फ्लावर ऑफ इवर, टैक्सी ड्राइवर और ऐसे बहुत से पॉपुलर ड्रामास के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सब ड्रामास कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में आने वाली है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक एक्सक्लूसिव अपडेट देना चाहता हूँ, वो भी एक ड्रामा से रिलेटेड है जिसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू। ये ड्रामा आपको 11 अक्टूबर से मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे जिंक टीवी पर हिंदी में देखने को मिलेगा। और आप इस ड्रामा को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना यार। और हो सकता है ये ड्रामा बहुत ही जल्द आपको G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं MX लेव पे आने वाली अपकमिंग हिंदी डब कोरियन ड्रामास के बारे में। तो चलो यार बताता हूँ, हमारी MX प्लेयर की सबसे पहली अपडेट है मून लवर्स स्कारलेट हार्ट रियो। ये ड्रामा 2016 की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट अवार्डेड कोरियन ड्रामा है और इन्हीं सब वजह से इस ड्रामा को 8.7 की तगड़ी IMDb रेटिंग मिली है। ये कैसी ड्रामा है जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट, अनएक्सपेक्टेड लव केमिस्ट्री और एक हाई लेवल का इंटेंस लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये ड्रामा हिस्टोरिकल, रोमांटिक, फैंटेसी और टाइम ट्रेवलिंग जेनर पर बेस्ड है और इस ड्रामा में आपको टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको 2022 में हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है टैक्सी ड्राइवर कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक मास्टरपीस ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है और अपने इसी यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से इस ड्रामा को कोरिया में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था और इस ड्रामा ने व्यूअरशिप के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे और इसलिए इस ड्रामा को 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा एक्शन क्राइम थ्रिलर जेनर पर बेस्ड है। इस ड्रामा की स्टोरी किम डोंगी की है जिसकी माँ को एक सीरियल किलर ने मार दिया था जिसके बाद वो पूरी तरीके से टूट जाता है, पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात सॉन्ग चुल से होती है जो उसे अपने रेनबो टैक्सी सर्विस के लिए रिक्रूट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से तो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है पर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन उन विक्टिम को क्रिमिनल से बदला लेने का मौका देती है जिन्हें कानून के द्वारा इंसाफ नहीं मिलता। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड हैं और ये ड्रामा आपको 2022 में हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा और इस ड्रामा के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हो इस ड्रामा के लिए तो कमेंट में जरूर बताना यार। हमारी नेक्स्ट अपडेट है द अनडेटेबल ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही क्यूट कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है जिसे 6.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा के मेल लीड में है कॉन्गमिन और फीमेल लीड में है क्यूट एक्ट्रेस वोंग जेंग यूम जिन्हें आप लोगों ने किल मी हिल मी ड्रामा में लीड रोल प्ले करते हुए देखा होगा। ड्रामा की स्टोरी है एक ऐसे लड़की और लड़के की जिनकी सोच प्यार को लेकर बिल्कुल डिफरेंट है। जहां लड़के को लगता है कि लव सिर्फ लोगों को इमोशनली हर्ट करता है और वहीं लड़की को लगता है कि लव इस दुनिया की सबसे प्यारी फीलिंग होती है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोचने वाले कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। इस ड्रामा में आपको टोटल 32 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है रिप्लाई 1988 ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है क्योंकि ये ड्रामा कोरिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि इस ड्रामा ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बन गई थी हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामा, वो भी पूरे 9.1 IMDb रेटिंग के साथ। ये ड्रामा आपको एक्सपीरियंस कराएगी कोरिया के 90s एरा को जहां में स्टोरी दिखाई गई है 5 चाइल्डहुड फ्रेंड की जो एक दूसरे के नेबरहुड में रहते हैं। इस ड्रामा में हमें इन पांचों की फ्रेंडशिप, लव स्ट्रगल और फैमिली वैल्यूज और एम्स को दिखाया गया है, कैसे ये सभी अपने सपने को अचीव करते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये एक बहुत ही रिलेटेबल फैमिली ड्रामा है जो रोमांटिक कॉमेडी जेनर पर बेस्ड है। इस ड्रामा में आपको टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको 2022 में MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है स्ट्रेंजर ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा की स्टोरी एक प्रोसिक्यूटर हवांग सिमोक की है जो एक सर्जरी की वजह से अपने सेंस ऑफ फीलिंग को खो देता है और वो एक डिटेक्टिव योंगसिंग के साथ एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। पर जब ये दोनों इस केस के डेप्थ में जाते हैं तो इस केस का कनेक्शन देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल ग्रुप से होती है जिसकी वजह से इस केस में बहुत सी कॉम्प्लिसिटी और प्रॉब्लम आती है। इस ड्रामा के टोटल 2 सीजन हैं और दोनों सीजन में 16-16 एपिसोड हैं और ये ड्रामा डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई थी और इसलिए इस ड्रामा को 6 की लाजवाब IMDb रेटिंग मिली है और अभी आउटस्टैंडिंग ड्रामा बहुत ही जल्दी हिंदी में MX प्लेयर पे आने वाली है। और अब मैं बताऊंगा आप लोगों को प्लेफिक्स पर कौन सी अपकमिंग हिंदी डब कोरियन ड्रामास आने वाली है उनके बारे में। प्लेफिक्स की अपडेट की शुरुआत करते हैं कोरिया के वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही सक्सेसफुल हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा द रेबल से। द रेबल ड्रामा अपने ऑडियंस के लिए एक प्रॉपर एंटरटेनिंग पैकेज होने वाली है क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक्शन, थ्रिल, रोमांस, मेलो ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा और इस ड्रामा को 8.3 की बेहतरीन IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा का प्लॉट सेट है जोसियोन डायनेस्टी में जहां एक महान योद्धा हॉन्ग सिलडोंग अनफॉर्चुनेट लोकल पीपल को बचाता है ग्रीडी गवर्नर से और इस पूरे ड्रामा में इसी लेजेंडरी योद्धा के लाइफ जर्नी और उसके प्यार और जस्टिस पाने की बैटल को दिखाया गया है। इस ड्रामा में आपको टोटल 30 एपिसोड देखने को मिलेगा और ड्रामा आपको 2022 के फर्स्ट हाफ में प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा।
हमारी नेक्स्ट अपडेट है क्वीन एंड आई ड्रामा के बारे में। बात करें इस ड्रामा की जनर की, तो इस ड्रामा में आपको रोमांस, फैंटेसी, कॉमेडी और टाइम ट्रेवलिंग देखने को मिलेगा। बात करें इस ड्रामा की लीड स्टार की, तो इस ड्रामा में आपको फीमेल लीड में दिखेंगी युहिना, जिन्हें आप लोगों ने गोब्लिन ड्रामा में गोब्लिन की सिस्टर का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। और मेन लीड में है जिनवू, और इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा कोरिया में बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी और इसी वजह से इस ड्रामा को 8 की लाजवाब IMDb रेटिंग मिली है। और ये ड्रामा ऑलरेडी उर्दू में डब्ड हो चुकी है और ये ड्रामा आपको इस साल के नवंबर और दिसंबर के बिटवीन में हिंदी डब्ड में प्लेफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है फ्लावर ऑफ इवल ड्रामा के बारे में। फ्लावर ऑफ इवल एक सस्पेंस मेलो ड्रामा है और इस ड्रामा में स्टोरी होने वाली है एक आदमी के बारे में जो अपने डरावने डेंजरस डार्क पास्ट छुपाकर अपनी आइडेंटिटी बदलकर जीता है, और वहीं उसकी डिटेक्टिव वाइफ उसके पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश करती है। फ्लावर ऑफ इवल एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है और इसलिए इस ड्रामा को 8.7 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। और इसके साथ साथ इस ड्रामा को ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको 2022 के बिटवीन में प्लेफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है माय डेंजरस वाइफ ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये ड्रामा मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर जनर पर बेस्ड है। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो अपने वाइफ के साथ बहुत ही खुश रहता है, पर धीरे धीरे वो अपने रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ अट्रैक्ट होकर उससे अफेयर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने स्टाफ के साथ मिलकर अपनी वाइफ को मारने का प्लान बनाता है। पर फिर एक दिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में हर जगह खून के धब्बे गिरे होते हैं और उसकी वाइफ किडनैप हो चुकी रहती है। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है और इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको जल्दी हिंदी में प्लेफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सेव मी 2 ड्रामा के बारे में। ये एक लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसे 8 की IMDb रेटिंग मिली है। सेव मी ड्रामा सीरीज एक एंथोलॉजी सीरीज है, जिसका मतलब 2 डिफरेंट सीजन, 2 डिफरेंट स्टोरीज। इसलिए आपको सीजन 2 देखने के लिए आपको सीजन 1 देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेव मी 2 एक सुपर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी एक फॉर्मर जूडो प्लेयर किम इन-सियोल की है, जिसे एक दिन उसके एरिया में डिमोलिश के लिए आए एक रिलीजियस ग्रुप के बारे में ऐसा डार्क सीक्रेट पता चलता है जिसकी वजह से वो और उसके एरिया के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको 3-4 महीने के बिटवीन में प्लेफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर अपकमिंग हिंदी डब कोरियन ड्रामास के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्क्विड गेम कोरियन ड्रामा को ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पांस मिल रहा है कि ये ड्रामा वर्ल्ड वाइड लेवल पर नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड शो बनने वाली है, और इसी वजह से नेटफ्लिक्स कोरियन ड्रामा को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है और इसलिए नेटफ्लिक्स ज्यादा से ज्यादा हिंदी डब्ड में कोरियन ड्रामा को ला रहा है, और उनमें से कुछ ड्रामास के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलो बताता हूँ यार। अपडेट की शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सुपर नेचुरल ड्रामा से। नेटफ्लिक्स पर ऑलरेडी स्वीट होम और किंगडम जैसी सुपर नेचुरल ड्रामा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और ऐसे ही में नेटफ्लिक्स 2 और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल ड्रामा हिंदी में ला रहा है, जिसमें से पहला है हेलबाउंड। हेलबाउंड एक फैंटेसी क्राइम थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, जिसका प्लॉट सेंटर्ड है ऐसे वर्ल्ड में जहां का एक रिलीजियस ग्रुप का लीडर जिंग जिनसियो लोगों के डेथ को लेकर प्रेडिक्शन करता है कि लोगों की डेथ कैसे और कब होगी, और उसके द्वारा बताया गया समय आता है तो लोगों के सामने एक डेथ एंजल्स आते हैं जो उन लोगों को मार देते हैं। और अब इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, यही ड्रामा में दिखाया जाएगा। इस ड्रामा में आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा कॉन्सेप्ट और टेलर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और आप इस ड्रामा को 19 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है सिसिफस द मिथ ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर और टाइम टेलिंग जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा के मेन लीड रोल में है चो सिंग वो और फीमेल लीड रोल में है पार सिंह हेई, जिन्हें आप लोगों ने पिनोचियो और द हायर जैसी ग्रेट ड्रामा में देखा होगा। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑलमोस्ट परफेक्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो अपने भाई की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसकी मुलाकात होती है फ्यूचर से आई एक प्रोफेशनल फाइटर लड़की से जो पास्ट में आई है इस वर्ल्ड को खत्म होने से रोकने के लिए। इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेगा। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। ये ड्रामा आपको मिड 2022 में हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। और दूसरी सुपर नेचुरल ड्रामा है ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड एक हॉरर फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है कुछ स्टूडेंट्स के अराउंड, जिनके स्कूल में एक जॉम्बीज वायरस बहुत तेजी से फैलने लगता है और धीरे धीरे सभी लोग जॉम्बीज में बदलने लगते हैं, और ये सभी स्टूडेंट अपने स्कूल में ट्रैप्ड हो गए हैं। और अब ये सभी स्टूडेंट कैसे खुद को सर्वाइव रखते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं, यही इस ड्रामा में दिखाया जाएगा। और इस ड्रामा में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको मिड जनवरी में नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगी। हमारी नेक्स्ट अपडेट है द साइलेंट सी ड्रामा के बारे में। ये एक बिग बजट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ड्रामा होने वाली है। इस ड्रामा के लीड रोल में दिखेंगे गेंग्यू, जिन्हें आप लोगों ने ट्रेन टू बुसान मूवी में और गोब्लिन ड्रामा में लीड रोल प्ले करते हुए देखा होगा। ये ड्रामा साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर जेनर पे बेस्ड होने वाली है, जिसकी स्टोरी दिखाई जाएगी एक ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड में जहां अर्थ पे डिजर्टिफिकेशन की वजह से फूड और वाटर की लैकनेस हो गई है, और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए एक सोल्जर साइंटिस्ट की टीम मून पर जाती है और इस मिशन को लीड करता है युनजेई। पर प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार जो टीम इस मिशन पे गई थी वो मिस्टीरियसली एक एक्सीडेंट में खत्म हो
गई थी। और अब इस पूरे ड्रामा में इस टीम का एडवेंचर और थ्रिल से भरी जर्नी को कवर किया जाएगा। इस ड्रामा में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको इसी साल दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। हमारी लास्ट अपडेट है जुवेनाइल जस्टिस ड्रामा के बारे में। ये एक अमेजिंग ड्रामा होने वाली है क्योंकि ये ड्रामा बहुत सीरियस टॉपिक को कवर करेगी। ये ड्रामा लॉ, क्राइम और कोर्ट रूम ड्रामा जेनर पर बेस्ड होने वाली है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली फोकस करती है उन वायलेंट और क्रूल क्राइम्स पर जो माइनर द्वारा किए जाते हैं। पर भले ही क्राइम कितना भी ब्रूटल और वायलेंट हो, पर माइनर होने की वजह से क्रिमिनल को उतनी सीरियस पनिशमेंट नहीं मिलती। पर इस सिस्टम को बदलने का फैसला करती है जुवेनाइल कोर्ट की न्यूली अपॉइंटेड जज, जो खुद भी ऐसे ही एक क्राइम की विक्टिम रह चुकी है। और ऐसे ही सीरियस टॉपिक को फोकस में रखकर बहुत सारी क्यूरियस केस इस ड्रामा में दिखाया जाएगा। इस ड्रामा में टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और ये ड्रामा आपको जनवरी में हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज वीडियो बनाए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 5 चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट एमएक्स प्लेयर की कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।